ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनाई साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे। और जब आपकी रीडिंग शुरू कर रही थी मैं, तो मैंने जस्ट 14 देखा। ओके, सो ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, कोई साइन हो सकता है कि एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। जी हाँ, आपको देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है ये हफ्ते। आप अपनी रीडिंग सन, मून, राइजिंग जैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। सो जेमिनाई, ये जो हफ्ता है, ओके, सन ड्रेस डू इट फॉर यू। तो ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है एक्सेप्टेंस वाली, कि आप जो करना चाह रहे हैं खुद के लिए, वाह, आज बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सन, यू नो, लाइक नंबर 11 कुछ के लिए हो सकता है। इट्स लाइक गेटवे ओपन हो रहा है आप अपनी लाइफ में, वो दोबारा से, वो कुछ रिसेंटली आपने किसी चीज़ का मन बनाया है कि नहीं, आप अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को लेके। आपको लगता है कि नहीं, आई वांट दिस, या मैं ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा। आपके मन में कुछ आया है, कोई चेंज है, कोई चेंज ऑफ इमोशन है, आप अपनी खुशी चाहते हैं। पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई, आप चाहते हैं कोई फैसला लेना, ओके, और आपको लगता है कि नहीं, ये आपके लिए सही रहेगा, मैं यही करूँगा, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और कुछ हो सकता है रिलेशनशिप को लेके हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स फॉर योर करियर, बट एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपने सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, अपनी खामियों को, अपनी जो भी आपको लगता है कि यस ये है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे लगता है कि आप कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत यहाँ पे बहुत हॉट एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक अ सन, एंड यहाँ बहुत ही कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग इट फॉर यू, आप खुद के लिए कोई फैसला लेना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, हो सकता है इट्स अबाउट, देखिए, सन मून, या हो सकता है इट्स लाइक हॉट एंड कोल्ड, ट्विन फ्लेम, और मे बी इट्स अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि कुछ के लिए, खुद के लिए कोई फैसला लेना या खुद के लिए कुछ करना कि नो, इसमें आपकी खुशी है, ये आप करना चाहते हैं। अगेन नंबर 5 वी आर गेटिंग, 5 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। आपके अंदर हो सकता है कोई आवाज़ आ रही है, आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, या आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स द पाथ। हम बोलते ही रह जाएंगे इस पर, सो मच टू एक्सप्लेन। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। पहले लव लाइफ की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे करियर की, ओके। सो लव लाइफ को लेके जेमिनी, क्या एनर्जी आ रही है? ओके, सो यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, लव इमोशंस, फीलिंग, यू नो, पैशन किसी पर्सन के लिए। और हो सकता है कि आपके मन में बहुत इमोशंस हैं, आप भागते भी हैं ना, दूर भागना चाहें भी तो भी नहीं भाग पाते, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है फाइनली यू आर लाइक रियलाइजिंग कि नो, आपके मन में इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकता है कोई ये न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में, ओके, वो स्टक महसूस कर रहे हैं, हो सकता है किसी बात को लेके परेशान हो, टेंस्ड हो, और हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा, यू नो, हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। अब आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, लेकिन ये पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनको भी रियलाइज है, और हो सकता है कि वो अवेकनिंग की तरफ, लाइक उनके माइंड में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, या पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ, या वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जी है। बट दे आर होपलेस, किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ना यू लो एंड होपलेस हो रहे हैं। सो इस हफ्ते क्या आउटकम है? आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग द कनेक्शन, हो सकता है कि सिचुएशन को लेके, हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है वो हील हो सकता है, बट आपको अगेन इस चीज़ को टाइम देना होगा, बिकॉज पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को हिला के रख दिया है।
कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. लॉट ऑफ पास्ट एनर्जीज यहाँ पे, पास्ट में बहुत कुछ अटैच्ड है. शायद हो सकता है कि कुछ पास्ट में आप लोगों के बीच में बातें हुई हैं, या हो सकता है कि कुछ यू नो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे कम्युनिकेशन हुई है, वर्ड्स एक्सचेंज हुई है, आपने उनको ऐसा बोला उन्होंने आपको, या जस्ट इन रैंडम कुछ हुआ है उस वजह से यू नो थोड़ा सा चीज़ें हिल गई हैं. तो मुझे थोड़ा सा एक वो आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि दूरी सी आ गई है, या हो सकता है कि चीज़ें स्टेगनेंट हो गई हैं, इस वजह से आप लोगों के बीच में वो खुल के वो बातें नहीं हो रही हैं. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक हीलिंग. दूसरा ये है कि एक्सेप्टेंस, कि मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है. आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, आप अपने आप को खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप खुद के लिए कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके. तो आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है. हो सकता है कि आगे चल के इट्स लाइक आप एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव रहिए कि हाँ जो भी सिचुएशन है ठीक है, इट विल वर्क. ओके, हो सकता है कोई अपना लव एक्सप्रेस करे. रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है. आपकी जो फीलिंग्स हैं वो रियल हैं और झूठ नहीं है. पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है हो सकता है वो रिलेशनशिप में वो बदलाव लेकर आए. ओके, तो आपके पार्टनर की तरफ से ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस देखिए, दे हैव गुड इंटेंशंस. ये पर्सन हो सकता है बुरे नहीं हो, ठीक है. कुछ के लिए फायर साइंस भी हो सकते हैं, वाटर साइंस भी हो सकते हैं. ये इस पर्सन की इंटेंशंस बुरी नहीं है. दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू. बट अगेन डिपेंड करता है कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है. क्या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये पर्सन कहीं मैरिड है या आपके स्पाउस हैं? ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये क्या कहना चाहते हैं आपको पर्सन? चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं. व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या कहना चाहते हैं आपसे? I will heal all your pain. Okay, तो उनको ये एहसास है कि आप पेन में हैं, उनको ये महसूस होता है. उनको ये बिल्कुल एहसास है, उनको महसूस होता है कि आप कितने पेन से, कितने दर्द से निकल रहे हैं, हार्ट पेन और समथिंग लाइक दैट. एक तो ये चीज़ वो कहना चाहते हैं कि वो आपकी पेन को हील कर देंगे. दूसरा ये, यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज कैन बी. आपके बिना वो बहुत अकेला महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं. एंड दे मिस यू, वो आपको मिस करते हैं. और हो सकता है कि आपको देखते भी हैं, दे वॉच यू. और हो सकता है कि यू नो लाइक दूर से आपसे, चाहे आप लोग करीब ना हो या वट एवर, दे कीप अ वॉच ऑन यू. ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है. चलिए, सो आउटकम अभी यही है कि सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस रिलेशनशिप को हील होने का टाइम दीजिए. ओके, बने रहिएगा. इन द एंड वी विल सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. और अभी हम करियर की बात करेंगे. सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम एंजल से पूछेंगे. ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स लाइक कहीं ना कहीं करियर में मुझे ऐसा लगता है आप ग्रो करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं. शायद हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नो इट्स लाइक यू नो कुछ चीज़ों को लेके आप सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या हो सकता है अपने करियर को लेके, चाहे आपका बिजनेस है या जॉब है, वट एवर. आपको यू नो हो सकता है आपका अपना ही कोई काम हो, लाइक या तो इट्स लाइक कि आप बेटर पोजीशन चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं. ओके, सो यू वांट पावर, यू वांट पोजीशन. ओके, ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर को, और उस चीज़ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, या हो सकता है कि टाइम ले रहे हैं. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक आप अपने काम में बेस्ट, लाइक यू वांट टू अचीव समथिंग. आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑफकोर्स कुछ के लिए, अगर आप ये एक पार्टनरशिप की बात है तो ऑफकोर्स कुछ बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा लगता है कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है हेल्दी, या आप खुद कुछ कर सकते हैं, आप बिजनेस और समथिंग लाइक दैट. और बाकी सबके लिए इट्स लाइक अ जॉब, बेटर करियर. मुझे ऐसा लगता है लाइक पॉजिटिविटी इन योर करियर, और हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हों आगे चल के. हो सकता है करियर में आपके काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें. चलिए, सो लव एंड करियर बोथ,
कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि कुछ मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम, मैं चैलेंजेस तो नहीं कहूँगी, बट इट्स लाइक कि आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं. ओके, और हो सकता है कि गोइंग बैक एंड फोर्थ अबाउट समथिंग, किसी सिचुएशन को लेके, किसी चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, फाइनली ऐसा लगता है कि आप स्पेशली रिलेशनशिप को लेके कि आप बैक एंड फोर्थ कुछ सोच रहे थे, अभी तक माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या. फाइनली मुझे लगता है कि आप एक डिसीजन पे आ सकते हैं या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ सकती है. और रही बात करियर की, अगेन इट्स अबाउट पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, फाइनली हो सकता है अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और या हो सकता है कि आप अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं और करियर, या अपने यू नो वो पैनिक जोन में से बाहर निकल के आप तरक्की की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. बोथ, इन बोथ केसेस, चाहे वो लव है, करियर है, बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो बेसिकली हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बाबा कह रहे हैं टॉक लेस अबाउट योर पेन, ठीक है, दैट मीन्स कि अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छी यू नो गुड डीड्स कीजिए, और बी लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट जो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करता है. ये नहीं कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, आप क्या चाहते हैं, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ वही सोचिए और वही बोलिए इस टाइम पे. बहुत ये मैटर करता है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, और जितना ज़्यादा आप अपनी यू नो लाइक प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी पेन्स के बारे में जितना ज़्यादा कम बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन मूड, या हो सकता है कि शायद यू कैन सेंस इट कि हाँ कि आपकी लाइफ में भी वो जोन आने वाला है, सेलिब्रेटरी मूड, ठीक है, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लोगों की बातों को बिलीव मत कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए, बाबा पे, अपने डिवाइन में, अपने इष्ट में, उनमें बिलीव कीजिए, यूनिवर्स में, ठीक है, कि वो जो आपके लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे. एंड हाँ, कुछ के लिए ये भी मैसेज हो सकता है, साइड मैसेज, कि अंधविश्वास में मत पड़िए. ओके, इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं कि अंधविश्वास में मत फंसिए. मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है, इट्स लाइक कि यू अट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिक थिंग्स बट गुड थिंग्स, जो आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए अच्छी हैं, और वो कब होता है, व्हेन यू सरेंडर. ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.